गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं एक वर्कआउट के बारे में ही बात करने आई हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल, जिसे आप सब लोग जानते हैं, लोगों को देखते भी होंगे, लेकिन खुद उस चीज को फॉलो करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रनिंग के बारे में। रनिंग क्यों करनी चाहिए, क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और रनिंग को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ, मार्केट में अवेलेबल है, जो कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक है। इन प्रोडक्ट को आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार यूज कर सकते हैं और अपनी रनिंग को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्लीपिंग आवर्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज को, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो आजकल का ये ट्रेंड है अपने आप को पूरी तरह जागरूक बनाए रखने के लिए अपनी हेल्थ को लेकर। मैं तो रखती हूँ, आप भी रख सकते हैं, लेकिन ये सब बातें जानने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिखना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ अपनी रनिंग को, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। देर मत कीजिए, मेरे साथ इन चीजों को यूज करना शुरू कीजिए और अपने हेल्थ के लिए आप कितने जागरूक हैं ये दूसरों को भी बताइए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं रनिंग के बारे में बात करने के लिए। हमारा हेल्थ के लिए जुनून था वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब समय आ गया है कि वापस से अपने उस हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। और इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा घर से बाहर निकले। घर के आसपास आपको बहुत सारे गार्डन मिल जाते हैं, आपकी सोसाइटी में भी होंगे, लेकिन अगर सोसाइटी में नहीं है तो एरिया वाइज भी कुछ बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं जहाँ पर आप जाके वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो जाइए और रनिंग करना शुरू कीजिए, पर ये ऑप्शन बिल्कुल मत चुनिएगा कि आप ट्रेडमिल पर रनिंग कर लें। ट्रेडमिल पर रनिंग करना अलग होता है, लेकिन अगर आप फ्रेश एयर में रनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट कुछ और होता है। तो इन्हीं बेनिफिट्स को लेकर मैं आज बात करूंगी, तो चलिए चलते हैं रनिंग करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि रनिंग करना कितना जरूरी है। तो आप भी कल से ये करना शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि ये एक हेल्थ का वीडियो है और हर हेल्थ के वीडियो में आपके लिए एक हेल्थ टिप तो होती है, तो अब टाइम है टुडेज हेल्थ टिप का। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कोई और नया टॉपिक लेकर।